अब हम आपको लवण के प्रकार के बारे में बताते हैं। लवण जो आपका होता है वो कई प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला प्रकार हम लवण का कौन सा दिखाते हैं आपको, लवण का सबसे पहला प्रकार है सामान्य लवण। अब मैं सामान्य लवण की बात करता हूं, जो लवण H प्लस आयन या OH आयन नहीं रखते उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं, क्योंकि अगर ये H प्लस आयन और OH माइनस देते हैं तो वो अम्लीय लवण या क्षारीय लवण के नाम से जाने जाते हैं। तो ये उदाहरण अभी हम लोगों ने आयनिक अभिक्रियाओं में किया कि NaCl टूटने के पश्चात क्या दे सकता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दे सकता है, KNO3 टूटने के पश्चात क्या दे सकता है, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव दे सकता है। तो इन दोनों लवण के आयनन के पश्चात ना तो इसमें से H प्लस आयन मिलेगा ना OH नेगेटिव आयन मिलेगा, इसमें दूसरे धनायन और ऋणायन मिलेंगे लेकिन H प्लस और OH माइनस नहीं मिलेगा। तो ऐसे लवण को हम क्या नाम देते हैं, सामान्य लवण या साधारण लवण के नाम से जानते हैं। अगला आपका लवण होता है अम्लीय लवण। जो लवण विस्थापनीय, देखिए यहाँ H प्लस आयन जो देगा वो अम्लीय लवण कहलाएगा, इसी तरह जो OH निगेटिव देगा वो क्षारीय लवण कहलाएगा। इसी तरह लवण की अगली वैरायटी में आते हैं द्विक लवण आता है। अब द्विक लवण की क्या क्वालिटी होती है यहाँ पर हम सारा डिटेल दिखाते हैं। दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण के पश्चात जो लवण प्राप्त होता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। इनमें दोनों लवणों का अनुपात निश्चित होता है। द्विक लवण का मतलब क्या होता है, डबल साल्ट यानी 1+1 कह सकते हैं ना दो, तो इसको हम द्विक लवण कहते हैं। यानी इसके लिए आप क्या बोलेंगे, लवण एक प्लस लवण दो, ऐसे करके होगा। यानी इस लवण में कोई एक धातु होगी जिसको धातु वन कह लीजिए और इस लवण में कोई दूसरी धातु होती है तो उसे आप धातु दो कह सकते हो, तो ख्याल रहे। अब मैं आपको क्रम से बताता हूं कि ये जो लवण का वर्गीकरण था इसमें जो सामान्य लवण था उसके बारे में क्या ज्ञान मिला। सामान्य लवण वो लवण होता है जो आयनित होने के पश्चात ना एच प्लस आयन देता है ना OH निगेटिव आयन देता है, वो खुद के अपने धनायन और ऋणायन दे सकता है, जैसे NaCl, KNO3, MgCl2, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। दूसरा अम्लीय लवण क्या है, अम्लीय लवण वो लवण होता है जो H प्लस आयन भी मुक्त करता है। अम्लीय लवण, लवण तो वो है ही है, अम्लीय प्रकृति का लवण है। और अम्लीय गुण क्या होता है हमें आप सबको पता है कि जब आप H प्लस आयन का त्याग करते हैं तो आप अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी लवण अगर अम्लीय लवण होता है तो इसका मतलब है उसके अणु सूत्र में हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। तो देखिए इसके सूत्र में आपको यहाँ पे H दिखाई दे रहा है, यहां पर देख लीजिए H दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर हम इसका आयनन आपको करके दिखाएं तो जरा आप सीखिएगा, NaH क्या है, SO4, NaHSO4 अगर है तो ये आयनित होने के बाद क्या देता है, तो मैं आपको पहले H को हटा देता हूं। तो ये देखिएगा अगर ये इस तरह से टूटता है कि H प्लस को हमने बाहर कर दिया तो पूरा रिजल्ट पहले देखा जाए क्या बनता है, NaSO4 माइनस बनेगा, ध्यान से देखें। और पुनः जब हम इसका आयनन करते हैं इस तरह का, देखिएगा ध्यान से, तो यहां से भी अगर Na आपका बाहर होता है तो क्या बचा, SO4 के ऊपर एक माइनस तो पहले से था, अब Na भी प्लस हुआ, तो इस तरह से ये पूर्ण रूप से इसका दो पदों में आयनन हुआ। पहले तो यहां से क्या निकला, H प्लस निकला आपका, और दूसरे पद में यहां से क्या निकला, Na प्लस निकला। तो दो धनायन अगर बाहर गए हैं तो बचे हुए ऋणायन के ऊपर दो ऋणावेश आएगा। अब आप अपने से भी कोशिश करते तो इसका भी आयनन आप करके देख सकते हैं। हम इसका आयनन आपको करके दिखाते हैं, फिर से समझिएगा, NaHCO3 है तो सबसे पहले हम H को बाहर करते हैं तो क्या बनेगा, H प्लस बाहर हो गया तो क्या बचा है, NaCO3 बचा है, इस पे एक ऋणावेश होगा। और जब यहां से ये टूटेंगे तो फिर यहां से आपका Na बाहर जाएगा तो आपका CO3 के ऊपर दो ऋणावेश आ जाए।
इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लवण है जो आयनन के पश्चात H प्लस आयन देता है, ये भी आपका लवण आयनन के पश्चात H प्लस आयन देता है, इसलिए इस लवण का नाम क्या होता है, अम्लीय लवण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जो लवण ना H प्लस दे ना OH माइनस दे वो तो सामान्य लवण, जो लवण H प्लस आयन मुक्त करते अपने विलयन में वो अम्लीय लवण, तो क्षारीय लवण क्या होगा, क्षारीय लवण क्या होगा, जो H प्लस की वजह OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्षारीय लवण बोलेंगे। अब क्षारीय लवण के लिए क्या है उनकी पहचान है, तो आप बोलेंगे क्षारीय लवण उन्हीं को कहेंगे जो OH निगेटिव आयन का त्याग करते हैं, और अगर वो OH निगेटिव आयन का त्याग करेंगे तभी आप उन्हें क्षारीय लवण कह सकते हैं। तो चलिए क्षारीय लवण के बारे में देखते हैं, जो क्या देते हैं, लवण जो विस्थापनीय OH निगेटिव आयन देते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखें OH निगेटिव आयन होगा यहाँ पर लिखा हुआ था, तो जो विस्थापनीय OH निगेटिव आयन देते हैं इनके सूत्र में देखिए OH माइनस है, इनके सूत्र में भी OH माइनस है, OH माइनस होगा, OH माइनस, इन सारे सूत्रों में आपको क्या दिखाया गया है, OH निगेटिव। हम एक उदाहरण लेते हैं MgOHCl की कंडीशन में आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर एक OH है, तो सबसे पहले हम OH को हटा दें, तो ये अगर OH माइनस हो गया, सॉरी ये OH आपका माइनस हो गया, तो ये MgCl जो होगा वो आपका एक टर्म लेकर के क्या हुआ, प्लस हुआ, और अगर यहाँ से भी हमने ब्रेक किया तो ये Mg के ऊपर अब दो प्लस होने वाला है क्योंकि यहाँ से Cl माइनस भी जाने, तो ओवरऑल अगर हम Mg को यहाँ लेकर के इस पे प्लस टू चार्ज कर दें और दोनों Cl पे एक निगेटिव और इस एक OH पे निगेटिव चार्ज कर दें तो ये माइनस वन और ये माइनस वन है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पूरा आवेश आपका जब कैंसिल हो जाएगा तो पूरा आवेश कैंसिल होने के बाद आपका ये सूत्र बनेगा। इस प्रकार से आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी OH निगेटिव का त्याग कर सकते हैं, तो जो लवण आपका OH निगेटिव आयन का त्याग करता है उस लवण को हम क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। जो H प्लस आयन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं, और जो न H प्लस और OH माइनस कुछ भी नहीं रखता है तो उस लवण को क्या कहते हैं, सामान्य लवण। इस प्रकार आप लवण के प्रकार में क्या क्या पढ़े, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, और इसके बाद अब हम लोग अपना क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्विक लवण, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, द्विक लवण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं, तो ये आपका अगला टर्म होगा द्विक लवण।